हेलो गाइस, तो अभी हम बात करने वाले हैं कंगना रनौत की जो अपकमिंग मूवी आने वाली है जिसका नाम है थलाइवी, और वो अब रिलीज़ होने के लिए बिल्कुल तैयार है, कभी भी रिलीज़ हो सकती है वो मूवी। लेकिन उस मूवी के रिलीज़ होने से पहले ही उसका इतना ज़्यादा विरोध होना शुरू हो चुका है जिसमें कंगना रनौत बुरी तरीके से फंस चुकी है। क्योंकि एक एक्टर के लिए आपने देखा होगा, वो यही चाहता है कि उसकी जो भी मूवी आए अच्छे से लोग देखें, बहुत सारे लोग देखें, और उसके वर्क को जो उसने काम किया है उस मूवी में उसको अप्रिसिएट करें और वाहवाही करें। लेकिन इस मूवी में कुछ उल्टा ही हो रहा है जिसकी वजह से कंगना रनौत अब बुरी तरीके से फंस चुके हैं। इस मूवी का विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो मूवी है, जो राजनीति से रिलेटेड इस मूवी को बनाया गया है, जो कि तमिलनाडु की जो सीएम रह चुकी थी जयललिता, एक टाइम पे वो राजनीति को बहुत ही अच्छी मानी जाती थी, एक तरीके से बहुत अच्छी मानी जाती थी। तो उसी रिलेटेड इशू पर ये जो कंगना रनौत ने मूवी बनाई है थलाइवी, तो इस पर जो तमिलनाडु के बहुत सारे सिनेमाघर हैं वो सब इसका बहिष्कार कर रहे हैं कि हम ये मूवी नहीं देखना चाहते हैं क्योंकि इसमें कुछ उल्टा सीधा भी दिखाया गया है। तो इस वजह से वहाँ के लोग बहिष्कार कर रहे हैं और इस मूवी को देखना नहीं चाहते। लेकिन कंगना रनौत ने इसी पर ट्वीट करते हुए कहा है कि काफ़ी ज़्यादा ट्वीट भी किया है और इंस्टाग्राम हैंडल पर भी एक स्टोरी डाली जिसमें कहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ मेरी मूवी को देखें जाके, और जो मल्टीप्लेक्स वाले हैं वो मेरी मूवी को ख़रीदना नहीं चाह रहे, और हम इस मूवी को OTT प्लेटफॉर्म, जो कि जो ऑनलाइन G5 वगैरह होते हैं, इन सब प्लेटफॉर्म पर इस मूवी को हम रिलीज़ नहीं करना चाहते। क्योंकि बहुत ही कुछ मूवी होती हैं चुनिंदा जो अच्छी होती है और थिएटर में रिलीज़ करने लायक है, क्योंकि लॉकडाउन के समय में वैसे भी थिएटर ठप हो चुका है बिल्कुल भी। तो जो वहाँ के मल्टीप्लेक्स के सिनेमाघरों के मालिक हैं वो इस मूवी को ख़रीदना नहीं चाह रहे, और साथ ही साथ जो कुछ ख़रीदना चाह रहे हैं तो और लोग भड़का के उस मूवी को ख़रीदने नहीं दे रहे। तो इसी बात को लेकर कंगना रनौत बहुत ज़्यादा परेशान है, और उन्होंने लोगों से रिक्वेस्ट किया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सिनेमाघर में जाके मूवी देखें, और मल्टीप्लेक्स वालों से भी रिक्वेस्ट किया कि आप मेरी मूवी को परचेज़ कीजिए और अपने सिनेमाघरों में इस मूवी को रिलीज़ कीजिए। अब देखना ये होगा ये मूवी हिट रही है फ्लॉप, ये तो फर्स्ट डे की अर्निंग पर ही पता चल पाएगा। और ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए, कोई भी लेटेस्ट अपडेट हो, सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।